तिरागवे राजा पतित पावन सीताराम ईश्वरे अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान सबको सन्मति दे भगवान धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नमिता कांडपाल देवभूमि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के दसचूला क्षेत्र से, और अभी मैं जा रही हूँ अपने पंचायत भवन में। वहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है तो उसी में मैंने शामिल होना है। आपको भी लेकर के चलती हूँ वहीं पर। और ये आप देख सकते हैं हमारी ग्राम सभा बैंजी कांडे के जो सार्वजनिक रास्ते हैं उनके दोनों साइड सफाई अभियान चल रहा है। रास्ते के दोनों साइड जितने भी कंडाली हैं, छोटे छोटे कांटे हैं, कटीली घास है, उन सभी को साफ किया जा रहा है जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, हमारे पीएम मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, समृद्ध भारत, तो हम भी इस जो प्रयास है, जो ये मिशन है, इसमें अपनी छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं। एक घंटे का श्रमदान हम सभी बहनों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आज हम जवाब बंद करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो अभियान चला है जो स्वच्छता अभियान, हम उन भी आज सूक्ष्म रूप से थोड़ा अपर पंचायत भवन ने सफाई करी। हेलो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमारे जो माननीय मोदी जी हैं उनके द्वारा जो अभियान चलाया गया था, तो आज हमने भी उसी अभियान का पालन करते हुए, ये हमारा पंचायत भवन है, आप ये देख सकते हैं, इसके आगे पीछे हमने सफाई की है। कुछ ही हमारे महिला मंगल दल की कुछ ही सदस्याएँ हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं, बाकी लोग तो नहीं आ पाए हैं क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सकता है। आपको पता होगा ये हर ग्राम सभाओं में ऐसा होता है कि जो ग्राम लीडर होते हैं जिनका पहला ये काम होता है कि अपने गांव को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, हर कोई ये काम नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ ही सक्रिय ऐसे होते हैं जिनके मन में कुछ ऐसी चाहत होती है अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कि हमें कुछ करना है। आप ये देख सकते हैं हमारी कुछ बहनों के द्वारा, जो सक्रिय महिलाएँ हैं उनके द्वारा, ये हमारी महिला मंगल दल अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं और हमारे कोषाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, सचिव हमारे साथ हैं और साथ में सदस्य भी हमारे साथ में हैं। तो हम लोगों ने मिल करके, अब कोई और आए या ना आए, लेकिन हमने अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो हमने अपनी तरफ से अपने माननीय मोदी जी का जो आदेश था उस आदेश का पालन किया। आप ये देख सकते हैं पूरे रास्ते की सफाई हो गई है। आगे भी हमारे माननीय मोदी जी द्वारा जो भी आदेश किया जाएगा हम उस आदेश का जरूर पालन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। हमारे गांव सबसे पहले तो गांव में स्वच्छता हो, उसके बाद ही हम आगे देश के लिए स्वच्छता अभियान को आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे द्वारा आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।